हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। तो हम लोगों ने एक पेपर सॉल्व कर रहे थे जो कि था आपका जस्ट अ मिनट ओके जो कि था आपका छत्तीसगढ़ व्यापम का पेपर, ठीक है। और ये पेपर आपका फॉर द पोस्ट की बात करें तो ये पोस्ट थी आपकी दैट इज़ द असिस्टेंट लेबर इंस्पेक्टर। असिस्टेंट लेबर इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ है ये कंडक्ट हुआ है 24th of June दैट इज 6 month 23 को, और इसका पार्ट वन हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसके अंदर हमने 1 to 85 नंबर क्वेश्चंस जो है वो कंप्यूटर और जीएस के क्वेश्चंस को किया था। और जैसा कि मैंने आपको कहा था जो रीजनिंग और लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं स्किप कर दूंगा, और बाकी जो ये आपका पार्ट फोर्थ है, पार्ट फोर्थ पेपर का, और इस पार्ट फोर के अंदर आपके क्वेश्चंस हैं लेबर डिपार्टमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर 136 से लेके 150 तक के क्वेश्चंस जो हैं उनके क्या करेक्ट आंसर हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 136 से। एज पर द कोड ऑन वेजेस व्हाट इज द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डिडक्शन अलाउड फ्रॉम वन मंथ सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉई, दैट विल बी द ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, मैक्सिमम 50% ऑफ द सैलरी। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द लिविंग वेजेस, द आर्टिकल 43 इज रिलेटेड टू द लिविंग वेजेस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, यहाँ पर से पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेसिकली वुमेन्स जो मदर बनती हैं और जो उसके बाद के लिए जो बेसिकली एक रिलेटेड केस है, तो ये केस आपका बात कराई गई है। दिस केस इज़ बिलोंग्स टू द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एंड द फीमेल वर्कर्स, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्स से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड जो केस है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 139 की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 हैज़ कंसोलिडेटेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 139 का। 140 की बात करते हैं, तो 141 में पूछा है एज पर द कोड ऑन वेजेस 2019 फॉर द पर्पस ऑफ फिक्सेशन रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल नॉट बी कंसिडर्ड, सो हेयर इज द करेक्ट आंसर फुल्ली स्किल्ड एम्प्लॉयज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिडक्शन फ्रॉम वेजेस एज पर सेक्शन 18(1)(b) ऑफ द कोड ऑन वेजेस, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा द विथ होल्डिंग स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट एंड प्रमोशन रिडक्शन इन ऑफ द लोअर टाइम स्केल और पोस्ट, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर, तो दैट इज़ करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ऑप्शन सी यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 142 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव स्टेट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द फील्ड ऑफ लेबर, सो जस्ट अ मिनट ओके ठीक है चलिए ओके। तो यहाँ पर नॉट रिलेटेड विद द फील्ड ऑफ लेबर, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 142 का ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 39A। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143, हाउ मेनी लेबर लॉज हैव बीन कोडिफाइड इनटू 4 लेबर कोड्स, सो यहाँ पर जो 143 का करेक्ट आंसर होगा वो होगा 29। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सो यहाँ पर हम बात करें वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग ऑफ लेबर्स, ठीक है, इज नॉट इंक्लूडेड। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 145 की बात करें, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेचर, सो यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट 1948 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 146 की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 डील्स विद द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द एडोलेसेंस, सो 146 का करेक्ट आंसर होगा सेक्शन 13 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 147 की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे इन विच ईयर
वॉलेंट्री कंप्लाइंसेस स्कीम अंडर वेरियस लेबर लॉज हैज़ बीन नोटिफाइड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। सो यहाँ पर पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट हैज़ बीन ऑब्जर्व बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वेयर अ पर्सन प्रोवाइड्स लेबर और अ सर्विस टू अनदर फॉर रिन्यूमरेशन विच इज़ लेसर देन द मिनिमम वेजेस द लेबर और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई हिम clearly falls within the scope or ambient of the words forced labor under section article 20. So these statements are related with the case of union, public union, people's union for democratic rights and others versus union of India and others. That is option number B is the correct answer रहेगा यहाँ पर question का 148 number question. Question number 149, the Maternity Benefit Act has been amended in the year 2017 to increase the paid maternity leave for the women from 12 to 26 weeks. ये करेक्ट है आपका पहली स्टेटमेंट, इंश्योर मैंडेटरी क्रीच फैसिलिटीज इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑल एस्टैब्लिशमेंट हैविंग 50 और मोर वर्कर्स, ये भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पेपर का, तो यहाँ पर है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 डज नॉट अप्लाई की बात कही गई है, डज नॉट अप्लाई टू एनी फैक्ट्री और अदर एस्टेब्लिशमेंट टू विच प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 अप्लाइड फॉर द सेम टाइम बींग। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर 150 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हमने बात करी है 136 से लेकर 150 क्वेश्चंस जो आपके लेबर लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स को। ठीक है, और हम कर रहे थे पेपर छत्तीसगढ़ व्यापम का, जो असिस्टेंट लेबर इंस्पेक्टर की पोस्ट का जो पेपर है उसको।